सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से आपको बताऊँगी कि हनुमान जी की कौन सी साधना करने से आपको क्या लाभ मिलेगा और आपकी किस परेशानी में आपको कौन सा पाठ करना चाहिए ताकि आपकी समस्याओं का समाधान आपको आसानी से मिल जाए। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी, फिर हनुमान जी की कृपा से ही वे रामचरितमानस का पाठ लिख पाए थे। हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद पता चलेगा कि हनुमान जी ही इस कलयुग के जागृत देवता हैं, जो भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर करने में सक्षम हैं और बहुत जल्दी भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको केवल करना क्या है कि अपनी भक्ति को आपको दिल से करना होगा और गलत कार्यों को करने से आपको बचना होगा। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सा पाठ किस समस्या के लिए करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार से रोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिस कारण से भी शत्रु बढ़ जाते हैं। ये भी हो सकता है कि सभी तरह से आप अच्छे हों, लेकिन आपकी तरक्की से लोग चलते हों, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हृदय से श्री बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये आपको सभी प्रकार के शत्रुओं से बचाता है और आपके शत्रुओं को सद्बुद्धि भी प्रदान करता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक आपको कम से कम 21 दिन तक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके मार्ग में भी कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपके भी शत्रु ज़्यादा हैं, आपके कार्य इसीलिए नहीं बन रहे हैं कि कोई उन कार्यों को रोकता है, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, वो भी रोज। ऐसा करने से हनुमान जी आपको शत्रुओं से बचा कर रखेंगे और हनुमान जी की कृपा तो प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता, यानी कि आप पर किसी प्रकार का कारागार का संकट नहीं आता। तो यदि आप किसी कारणवश जेल जाने की आपकी समस्या हो गई है या आपको इस प्रकार का कोई भय लगा रहता है, तो आप अपने कार्यों के लिए जो आपने गलत कार्य किए हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, कभी भी ऐसे कार्यों को दोबारा ना करने का हनुमान जी को वादा देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार की कारागार से मुक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों देखिए, कारागार जो होता है, केवल आपको जेल में जाना ही नहीं होता है, कभी कभी आपके पास आपके ऊपर झूठे केस चालू हो जाते हैं या कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप मढ़ देता है, तो भी आप हनुमान चालीसा का अगर 108 बार पाठ शुरू करते हैं तो इस तरीके की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। यदि आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, जैसे वात रोग जिसको कहते हैं, जैसे गठिया हो गया, सिर दर्द हो गया, कंठ रोग हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, अगर आप दर्द से परेशान हैं तो आपको हनुमान बाहू का दोस्तों पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहू को पढ़ने के समय आपको एक पात्र में जल भर कर रख लेना है और उसी जल को आपको बाद में जब आप हनुमान बाहू का पाठ कर लें फिर उस जल को आपको पी लेना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो ये रोग हो रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आपको हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तो आपने अब ये सुना कि मैंने कौन सा पाठ आपको बताया है। ये तीन पाठ आपको डेली करने चाहिए अगर आप इन समस्याओं से घिरे हुए हैं, यानी शारीरिक कष्ट है तो हनुमान बाहू का पाठ कीजिए, अगर शत्रुओं का भय है तो आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और हनुमान चालीसा के बारे में तो क्या कहूँ, उसका तो जितना बखान किया जाए कम है। हनुमान चालीसा आपको किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से बचा कर रखती है। हनुमान चालीसा आपको कार्यों में सिद्धि प्रदान करती है, आपको बुद्धि प्रदान करती है, आपको बल प्रदान करती है, आपको भूत प्रेत कभी छू भी नहीं सकते हैं, यानी कि तंत्र मंत्र जो ये क्रियाएं होती हैं कभी आपको छू नहीं पाएंगी अगर आप सच्चे हृदय से
और सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगली बार मैं आपको हनुमान जी का बहुत ही कारगर मंत्र बताऊंगी और कुछ एक उपाय भी बताऊंगी जिसको अगर आप करते हैं तो उससे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी सच्चे हृदय से प्रार्थना करे, जो भी आपको सच्चे हृदय से पुकारे, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए और उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।